केरल के तिरुवनंतपुरम में सबरीमला मंदिर में महिलाओं को मिली प्रवेश की इजाजत के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केरल की पी विजन सरकार की तरफ से तुरंत लागू करवाने पर भी सवाल उठाए, और जिसके विरोध में BJYM के कार्यकर्ता केरल के पर्यटन और धार्मिक मामलों के मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन के सरकारी आवास का घेराव करने पहुंच गए, जिस पर BJP कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ तितर बितर होने लगी। लेकिन पानी की बौछार के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता ने पुलिस की तरफ ईंट फेंक दी। इसके बाद पुलिस वालों ने वाटर कैनन के जरिए उस कार्यकर्ता को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि वो तब भी पानी की बौछार के सामने डटा रहा। कुछ देर बाद BJP कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड की तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। हालांकि कई बैरिकेड के रस्सियों के सहारे बंधे होने की वजह से वो उन्हें अलग करने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद BJP कार्यकर्ता पुलिस की तरफ से सड़क पर लगाए गए बैरिकेड पर ही चढ़ गया। हालांकि वो वहां काफी देर तक टिक नहीं पाया। इस दौरान उसके कुछ और साथी मौके पर पहुंचे और उसके साथ मिलकर बैरिकेड को पलटने की कोशिश में जुट गए। हालांकि पानी की तेज बौछार और वजनी बैरिकेड की वजह से वो भी कामयाब नहीं हो पाए, जिस पर थक हार कर पहले वाले BJP कार्यकर्ता ने फिर पुलिस वालों पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद बिना वक्त गंवाए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिसकी वजह से BJYM का एक कार्यकर्ता भी घायल हो गया। हालात बिगड़ता देख भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए मामले में दखल देने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की तेज बौछार को बंद कर दिया, जिसके बाद BJP के युवा कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई और केरल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने एक सुर में केरल के पर्यटन मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन के इस्तीफे की मांग कर दी। इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, वी आर डिमांडिंग आवर स्लोगन्स टू रिजाइन दिस देवसम मिनिस्टर इमीडिएटली। BJP कार्यकर्ताओं ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने के फैसले को धार्मिक आस्था में दखल करार दिया। चक्रवाती तूफान ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराया है, जिसके बाद से तटीय इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है। तितली तूफान से बचने के लिए ओडिशा के 5 जिलों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तितली तूफान ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में तबाही मचाई है। तेज तूफान की वजह से एक वाटर टैंक गिर गया। यहाँ पर हवाएं काफी तेज चल रही है, जिसके बाद ओडिशा और आंध्र तट पर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक आतंकी मन्नान वानी है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहते हुए पिछले ही साल हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था, जिसके हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में मारे जाने का दावा है। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जवानों पर फायरिंग करने के बाद 3 आतंकी एक मकान में छिप गए थे, जिसके बाद उन्हें ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। यही नहीं, आतंकी जंगल वाले रास्ते से भागने में कामयाब ना हो, इसके लिए वहां भी जवानों की तैनाती कर दी गई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में एक का नाम मन्नान वानी बताया गया। दावा किया गया कि ये वही मन्नान वानी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था और पिछले साल अचानक लापता हो गया था। इसके बाद हथियार लिए उसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी और उसके हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने की जानकारी मिली थी। हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन चल रहा है, जो ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि टेररिस्ट की आइडेंटिटी क्या है। दावा किया गया कि 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद फायरिंग रुक गई थी, लेकिन बाद में वहां एक और आतंकी के छिपे होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। गोवा के पणजी में एक आदमी ने कानूनी कार्रवाई से परेशान होकर अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया। अनवर राजगुरु नाम के इस व्यक्ति को 7 साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद उसकी बाइक वापस मिली थी, लेकिन वो लंबे वक्त तक चली कानूनी कार्रवाई से इतना परेशान हो चुका था कि उसने गुस्से में आकर कोर्ट कैंपस में बाइक में आग लगा दी। मैं वहाँ से आया, पेट्रोल डाला गाड़ी के ऊपर और फिर बाद में मैं गाड़ी को फूंक दिया। अनवर ने गाड़ी में आग लगाने के बाद वहाँ खड़े होकर सिगरेट पी और फिर वहाँ से चला गया। अनवर ने 19 मार्च 2009 को बाइक खरीदी थी, जिसके रजिस्ट्रेशन में फेक डॉक्यूमेंट्स देने के आरोप में उसे जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद अनवर को 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसने इसमें जीत भी हासिल की। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की लापरवाही की वजह से बाइक मिलने में कुछ महीने बीत गए, जिसकी वजह से अनवर को कोर्ट में इंश्योरेंस और RTO की पेनल्टी भी जमा करनी पड़ी। लेकिन इस कार्रवाई से वो इतना परेशान हो गया कि उसने बाइक को जलाने का फैसला कर लिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट कैंपस में बाइक जलाने के आरोप में अनवर के खिलाफ अब एक नया केस दर्ज कर लिया। सेक्शन 336 ऑफ IPC फॉर एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइव्स अगेंस्ट हिम। हालांकि
अनवर ने बाइक जलाने से पहले एरिया को खाली करवाने का दावा किया। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने राहत दी। पंजाब के बरगाड़ी और दूसरी जगहों पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग करवाने के आरोपों में घिरे पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उनकी गिरफ्तारी से एक हफ्ता पहले उन्हें नोटिस जारी करना होगा। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें बैठे दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और आसपास के इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। राजस्थान के करौली में एसबीआई की एक ब्रांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में कई अहम दस्तावेज जल गए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की ओर से प्रेसिडेंट इलेक्शन में धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के बाद अमेरिका ने साफ किया कि वो मालदीव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। दक्षिण अफ्रीका में करप्शन के एक मामले में भारतीय मूल के कारोबारियों अजय गुप्ता और उनके भाइयों के खिलाफ चल रही जाँच के बीच उनसे मिलीभगत के आरोपों के बाद वहाँ के वित्त मंत्री अंतांतला नेने ने इस्तीफा दे दिया। कुछ महीने पहले दुबई में समंदर किनारे मछली पकड़ने के दौरान ईरान की समुद्री सीमा में घुसे 18 भारतीय मछुआरों ने गिरफ्तारी के बाद ईरान सरकार से फिर अपनी रिहाई की मांग की। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में लगे आपसी प्रतिबंधों को खत्म करने पर हो रही बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि दक्षिण कोरिया बिना अमेरिका की सहमति के प्रतिबंध नहीं हटा सकता।